दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग मैं बहुत दिन से नहीं बना रहा था, इसलिए सोचा हूँ कि आज मैं ब्लॉग बनाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू, क्योंकि आप लोगों के प्यार के वजह से अभी हम लोगों का फैमिली 25K 25K क्रॉस कर चुका है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी बज रहे हैं रात के 9:45 और अभी मैं 10 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आने वाला हूँ, जो कि मैं आप लोगों को नहीं बतलाया हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे ही मैं मैसेज किया था और उसी पे पता है आप लोगों को। यूट्यूब मतलब जो यूट्यूब पे है आप लोगों को पता नहीं होगा, तो इसके लिए सॉरी। जो है सो यूट्यूब पे भी लाइव आएंगे कुछ दिन में, तो वहाँ पे हम लोग आपस में बात करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो है सो देखिए टाइम कितना हो रहा है, ये रहा टाइम 9:47 और 10 बजे हमको इंस्टाग्राम पे लाइव आना है। तो सोचे एक वीडियो बनाएंगे, अभी जो है एक वीडियो रिकॉर्ड किए हैं आज शाम में, जो कि NTPC CVT 1 के कट ऑफ के बारे में है, जो कि यहाँ पे मैंने एनालिसिस करके कुछ जो है सो आप लोगों को बताने का उसमें कोशिश किया है और समझाने का कोशिश किया है। तो ये और जो है उसी का एडिटिंग अभी कर रहे थे, तो उसको अभी रोकेंगे, पहले इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे, इसके बाद खाना भी हम नहीं खाए हैं तो खाना खाएंगे। तो अभी हम आप लोगों को कुछ दिखलाते हैं कि अभी क्या कुछ बना है और क्या कुछ खाना है। तो ये जो है सो अभी ठीक से दिखेगा नहीं, चलिए सब्जी है और उतना अच्छा नहीं बना है जो भी है, क्योंकि काम वाली को रखते हैं तो उतना अच्छा तो नहीं बना के देगी। खैर खुद से बनाने नहीं पड़ता है, यही हमारे लिए काफी है, क्योंकि मैं खुद से बना नहीं सकता, मतलब इतना कुछ काम रहता है, मन नहीं करता रहता बनाने का, तो इसलिए मैं खुद से नहीं बनाता हूँ। सब्जी और चावल है वो हमको खाना है। और ये देखिए, ये जो है सो पानी का ड्राम लाए हैं अभी शाम में, अभी 9 बजे लगभग, क्योंकि शाम को वही वीडियो सब बनाने लगे थे तो नहीं मतलब कर पाए। और ये तो अंधेरा हो चुका है। और कुछ सब्जी लाए हैं, ये रहा, और कुछ है नहीं बाकी। अमेजोन से कुछ मंगाए थे, वो ग्लव्स जो हम लोग हैं, तो वही का डब्बा है यहाँ पे पड़ा हुआ। बस ये रहा मेरा रूम, यहाँ पे बैठ के हम जो है सो वीडियो एडिटिंग मतलब रिकॉर्ड करते हैं। ये रहा सरस्वती माँ, ये मैप हम चूंकि बहुत दिन से आए थे तो यहाँ पे लगाए थे। बाकी अभी हम आज क्या क्या किए, तो आज ड्यूटी से आने के बाद यही जो है सो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए, सॉरी इंस्टाग्राम पे नहीं, यूट्यूब पे पोस्ट किए कि 25,000 सब्सक्राइबर हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, और इसमें आप लोगों का बहुत सारा कमेंट भी था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप सभी को, आप लोगों का इतना सपोर्ट रहा, इतना अच्छा प्यार मिला उसके लिए। एक्चुअली कुछ दिनों से जो है सो मतलब हम जो है सो वीडियो बना रहे थे उसमें फील नहीं आता, जो आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ये चेयर पे बैठ जाते हैं और यहाँ पे वो कहाँ गए, हाँ वो जो स्टैंड यहाँ पे रहता है ये बेड पे, और फिर इस चेयर पे रिकॉर्डिंग होता है, ये बैकग्राउंड रहता है, ये तो फील नहीं आता है क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहता है उसमें तो इस तरह से हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनको वो चीज देखना रहता है तो वो ब्लॉग टाइप पे नहीं देखना पसंद करता है, तो उनको कम टाइम में जो कुछ भी रहता है हमको बोलना वो बोल देते हैं। बाकी इस तरह का वीडियो नहीं बना रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, और आप लोगों को जो है सो थैंक्स भी बोलना था, तो सोचे क्यों नहीं एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें जो है सो आप लोगों को धन्यवाद बोलूं। और एक बात जो है सो आप लोग उसके साथ शेयर करना है, जो मतलब हम जो है सो पढ़ाए, बहुत सारे ये भी पूछते रहते हैं कि आपका टेस्ट में कितना आ रहा है, आप पढ़ाई कितना घंटा कर रहे हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये भी कमेंट आता रहता है। तो आप लोग बता दूं कि मैं पढ़ाई उतना अच्छा से नहीं कर पाता हूं, मतलब मैं एक्चुअली नहीं कर पाता हूं, जो सच है वो आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि तुम आप लोग समझ भी रहे हैं कि ड्यूटी से आने के बाद पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। और एक्चुअली ऐसा है कि आप समझिए कि मेरा CBT 1 तो निकल जाएगा, जो NTPC का है, 2 का हम गारंटी नहीं लेते हैं कि 2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बाकी सीन ऐसा है कि जो है सो हम जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो माइंड में YouTube की तरफ से ध्यान आ जाता है कि मतलब YouTube पे कुछ करना है, और YouTube मतलब इतना ग्रो कर रहा है, तो उसमें आप लोगों को
बहुत सारा डॉट भी रहता है, तो उस तरह से कुछ कंटेंट बना के उस पर डाले और आप लोगों का हेल्प करे, तो उधर माइंड चल जाता है। और मतलब ये एक्चुअली यूट्यूब पे काम करना, मतलब वीडियो बनाना और एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, उससे रिलेटेड जो भी काम है वो करने में मजा आता है। मतलब मेरा पर्सनली बात है ये कि उसमें मजा आता है, उसको हम रात को 1-2 बजे तक कर सकते हैं आराम से, लेकिन जो है सो पढ़ाई करना थोड़ा मेरे लिए कठिन है। और जब पढ़ाई हम करने के लिए बैठेंगे तो खुद मतलब खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तो समझ में आता है कि हम बहुत काम कर लिए हैं, अब हम जो है सो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मतलब माइंड में ऐसा आने लगता है। और तो पढ़ाई आप लोग कीजिए और मेरा छोड़िए, और मैं करूँगा, मतलब मेरा होगा रिजल्ट कि नहीं होगा इसका हम गारंटी नहीं लेंगे, वैसे भी अगर नहीं भी हुआ तो यहाँ तक तो हैं और GDCA के थ्रू तो कुछ कर ही लेंगे। एक्चुअली यूट्यूब पे काम करने का इसलिए भी मन करता है क्योंकि जो हम लोगों का चैनल है सुमित चौरसिया रेलवे, वो बहुत जल्दी इतना ग्रो कर गया, और मैं जब ही जो है सो 52-53 वीडियो मात्र डाला हूँ, जो कि बहुत कम है, क्योंकि जो है और दूसरे चैनल को ग्रो करने में बहुत सारा टाइम लगता है, लगभग मतलब 1-2 साल लग जाता है और उतना ग्रो भी नहीं कर पाता, लेकिन हम लोगों का जो चैनल है वो बहुत जल्द ग्रो किया है। तो मैं सोचता हूँ कि इस पे आप लोगों का हेल्प, जो भी हम लोग इसके साथ जुड़े हैं, मतलब आप लोग जो भी जुड़े हैं, तो उन लोगों का जो भी हेल्प है, चाहे वो कोई कंफ्यूजन हो या फिर कुछ भी हो, तो वो मैं कर सकूं और आप लोगों का हेल्प कर सकूं, तो उस पे मतलब अच्छा लगता है। और ये काम कर रहे हैं हमको मजा भी आता है, क्योंकि आप जो जहां मैं रह रहा हूं वो एग्जैक्ट जो है जगह नहीं मैं बताना चाहूंगा अभी फिलहाल, तो मैं जहां रह रहा हूं यहां का जो भी मतलब कुछ वीडियो डाला हूं तो उनको पता चल जाता है, जो यहां का लोकल आदमी है उनको, तो वो यहाँ पे आके या फिर जो आसपास का है उनसे वो मतलब कुछ कुछ 1-2 आदमी तो यहाँ पे मेरे मतलब 1-2 सब्सक्राइबर हमारे यहाँ मेरे रूम पे आया था मिलने के लिए, और फिर मतलब कुछ दिन पहले फिर यहाँ पे बाहर में भी हम जाते रहते हैं, तो कोई पहचान के मतलब बहुत सारा तो नहीं, मतलब 1-2 आदमी बंदा पहचान जाता है और बोलता है आप ही हैं जो है सो यूट्यूब पे वीडियो डालते रहते हैं ग्रुप डी से रिलेटेड, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और बस यही है दोस्तों, बात करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, मतलब 10 बज चुका है, तो अभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगा, इस वीडियो को मतलब ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 11:15 बजे का, रात हो गया है, और अभी इंस्टाग्राम पे 9:45 बजे तक लाइव थे लगभग 45 मिनट, जिसमें हम जो है सो बहुत सारे लोगों को जोड़ के बात किए उनसे पर्सनली, लगभग 9-10 आदमी को मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर है उनसे जुड़कर बात किया, उनका जो भी क्वेश्चन था डाउट था उन पे उनका मैंने अपना हिसाब से रिप्लाई किया, और आई थिंक सब कोई संतुष्ट भी होंगे, सबको मैं संतुष्ट कर पाया। तो इंस्टाग्राम पे ही लाइव क्यों आते हैं और यूट्यूब पे क्यों नहीं, आप लोगों में से बहुत सारा ऐसा भी कौन जो है सो सभी का डाउट होगा कि यूट्यूब पे क्यों नहीं आते हैं, इंस्टाग्राम पे क्यों आते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं बराबर नहीं आता हूं, लेकिन इंस्टाग्राम पे एक्चुअली इसलिए आता हूं, और इंस्टाग्राम पे एक्चुअली जो भी आदमी का डाउट है उससे हम डायरेक्ट बात के करके उनका प्रॉब्लम हॉल मतलब सॉल्व करते हैं, जो है सो हम उनसे डायरेक्ट बात कर पाते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है खुद को, और जो है सो बात करने के लिए भी कोई जो है सो मिल जाता है, जो कि हमारा हमारा जो यूट्यूब फैमिली है उनका सब्सक्राइबर है, उनका जो है सो एक सदस्य है, तो अच्छा लगता है। बाकी तो अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़िए, और आपका अगर कोई डॉट हो तो आप इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िए, और आपसे भी बात कभी होगी, और जो भी अगर इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं तो आप लोग गुस्सा बिल्कुल मत होइए, हम जो है सो यूट्यूब पे भी लाइव आएंगे, और ये वीडियो तो आज नहीं मतलब कल जाएगी, कल यूट्यूब पे अपलोड होगी। तो बस इतना ही कुछ था, हम खाना खा चुके हैं, आप सभी को गुड नाइट, मतलब मेरा गुड नाइट, आप लोगों को गुड नाइट नहीं बोलेंगे कि आप वीडियो कब देखिएगा पता नहीं है हमको, तो आप लोग जब भी देख रहे हैं उस हिसाब से आप लोग नमस्ते।